आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक एक्चुअल में आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक एक्चुअल में आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन, यहाँ पर हमने क्या करना है, हम डोमेन होस्टिंग बाय करने लगे हैं ब्लू होस्ट से, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है bluehost.com/track/ehsandanish, राइट। बेसिकली ये मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर आप इसके ज़रिए जाएंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा आपको ये एक अच्छी होस्टिंग मिलेगी जिसमें फ्री डोमेन आपको मिलेगी फॉर 1 ईयर और होस्टिंग प्लान भी उसके साथ मिलेगा। तो टोटल आपके एक्सपेंस होने वाला ऑलमोस्ट $35 आज की डेट के अंदर। मे बी कुछ अर्से बाद ये बढ़ जाए जब आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम। राइट नाउ $35 के अंदर आपकी तमाम नीड्स पूरी हो रही हैं एक वेबसाइट्स के लिए। अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट करनी है तो आपको $65 पे करने पड़ेंगे। तो वो URL आप ये भी डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी वेबसाइट पे आके आप नीचे की तरफ आके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ये जो लिंक्स हैं मैंने अटैच भी किए हुए हैं, राइट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर आना है। शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे पास, बेसिक प्लस, चॉइस प्लस और प्रो। अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो ये प्लान आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी है तो ये प्लान आपके लिए सबसे परफेक्ट है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, बट इसका जो स्टोरेज है वो 20 GB है। ऑन द अदर एंड अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और बाकी सारे फीचर्स चाहिए तो 40 GB के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम ही प्लान है, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइसेस के ऊपर आप आएंगे मेरे लिंक से तो ये दोनों प्लान आपको सेम पड़ेंगे। अगर आप अनलिमिटेड के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसके बजाय आप ये चूज़ कर लें, क्योंकि सेम प्राइसिंग है $5.45 per month $5.45 per month। और अगर आपको मजीद बहुत ज़्यादा वेबसाइट और अच्छी बैंडविड्थ के लिए 100 GB चाहिए तो आप इस प्लान को चूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं चूज़ करने लगा हूँ बेसिक प्लान, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अपने डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो भी डोमेन मैं चाहता हूँ, जो भी मैं बाय करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं टाइप करता हूँ राइट, और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से .com जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। मैंने .com सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे यहाँ पे मेरे पास इसको क्लोज कर देना आपने, और यहाँ पे ये डोमेन मेरी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल ना होती तो ये मुझे कहता कोई और डोमेन चूज़ करें, राइट। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स इनपुट करनी है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान लिखूँगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान अवेलेबल आ गया और उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो चीज़ें वो आपने फिल आउट करनी है। आपने अपनी एग्जैक्ट डिटेल्स फिल आउट करनी है, यहाँ पे ईमेल, कंट्री कोड, और यहाँ से आप जितने भी मंथ के लिए होस्टिंग लेना चाह रहे हैं। 12 मंथ के लिए स्टैंडर्ड होती है नॉर्मली, तो 12 मंथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। $35 जो है वो 2.95 के हिसाब से मुझे यहाँ पे रेंट पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक जो डोमेन है वो टोटली फ्री है आपको .com, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पैकेज एक्स्ट्राज हैं, इनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनको आप अनचेक कर दें, इनका आपको एक्स्ट्रा बिल पड़ेगा तो इनको हम अनचेक कर देते हैं। तो टोटल जो बिल बन रहा है हमारे पास $35.40 बन रहा है। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे अपना कार्ड नंबर, आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं जिसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ऑन हो, राइट। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप नया पे या किसी भी मिज़ान बैंक का या HBL बैंक का या पंजाब बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है और आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जस्ट अपने डिटेल्स देनी है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देगी, सेम एग्जैक्टली यही चीज़ आपको बाय करके दे देगी, राइट, एट डिस्काउंटेड, एट मोर डिस्काउंटेड प्राइस, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद सिंपल आपने जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका जो डोमेन
होस्टिंग है वो परचेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ये सबमिट करेंगे आपका परचेजिंग हो जाएगी, आपके कार्ड में इनफ बैलेंस होगा, तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। समहाउ यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी हो सकती है। मेरी वेबसाइट जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वेबसाइट इंस्टॉल करने का मकसद जो है वो हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, राइट। तो अभी हम जो बात करेंगे, यहाँ तक हमने एक अच्छी डोमेन और होस्टिंग परचेज कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे कि मज़ीद क्या चीज़ें हमें आगे करनी है, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी है। ये तमाम प्रोसीजर सेम है। आप अगर किसी और प्रोवाइडर से भी बाय करना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं, उनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और उन लिंक्स पे जाके आपने बाय कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। तो ये सारा प्रोसीजर सेम होने वाला है सारे प्रोवाइडर्स के ऊपर, बस इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। जैसे आप नेमचीप से बाय करते हैं तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज होगा, प्रोसेस यही है, आपको यही सारे डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।